नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो फिरनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आम के सीजन में आम से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, तो चलिए मैंगो फिरनी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिरनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। 1 लीटर फुल क्रीम दूध, भिगोया हुआ 4 बड़े चम्मच चावल, 8 चम्मच चीनी, ताज़े मीठे फ्रेश 2 बड़े साइज के आम, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैंगो फिरनी बनाने के लिए दूध को गर्म कर लेंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक आम को छीलकर इसका प्यूरी बना लेंगे। चावल 1 घंटा तक भिगो कर रखना है और अब इसे पीसना है। इसके लिए चावल को ज़्यादा ना पीसें, थोड़ा सा मोटा दरदरा रहना चाहिए, एकदम महीन नहीं होना चाहिए। दूध गर्म हो चुका है, ये जो चावल हैं पिसे हुए इसे एक बार मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स ना रहें। गर्म दूध के अंदर चावल को थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और उस समय दूध को आप इस तरह चलाते रहेंगे, वो इसलिए ताकि चावल नीचे बैठ ना जाए। खीर के मुकाबले फिरनी बनाना आसान है, इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ता क्योंकि चावल पिसा हुआ होता है, इसलिए ये जल्दी पक जाता है। ध्यान रहे, अगर चावल ज़्यादा पड़ जाएगा तो हलवा बन जाएगा और अगर चावल कम पड़ेगा तो लस्सी बन जाएगा। अब जो ये दूध है चावल के डालते गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसे ज़रूरी है लगातार चलाना क्योंकि चावल नीचे तली को पकड़ता है। इसे मिक्स करते रहना है, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। किस तरह चावल के दाने नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये पक गया है। अब इसमें चीनी डालेंगे। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो आम है मीठे होते हैं, इसलिए आम कितने मीठे हैं उसके हिसाब से चीनी डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और गैस बंद कर दें। ध्यान रहे, गैस बंद करके ही आम का प्यूरी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये जो फिरनी है एकदम बदल गई है मैंगो फिरनी में। फिरनी बनाना बहुत आसान है, बनाते समय ध्यान रखें, इसे लगातार चलाते रहिए ताकि फिरनी बर्तन के तली में लगना नहीं चाहिए। गर्मी के मौसम में इसे फ्रिज में रख के फिर सर्व करें। अब इसे प्याली में निकाल लेंगे। अब इसे बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम, कटे हुए आम से गार्निश कर लेंगे। मैंगो फिरनी बनकर तैयार है, इसे आप बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए।